हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विकास और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे फोन पोको M3 के बारे में। अब देखो, इस फोन के ऊपर मुझे अभी तक जो यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मिला था वो था MIUI 12, और इससे मैं इतना ज्यादा तंग हो गया था क्योंकि मैंने देखो बचपन से ही, मतलब जब से मैंने फोन चलाना शुरू किया, मैंने यूज किया है स्टॉक एंड्रॉइड, तो मुझे उसकी आदत लग गई। MIUI के अंदर आपको पता है कितने ज्यादा बग हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होनी ही थी। फिर मैंने मन बनाया कि चलो इसके ऊपर जो कमियां हैं वो सिर्फ मुझे अकेले को तो होंगी नहीं, और लोगों को भी होंगी, एक वीडियो बना देते हैं और इसके बाद में फिर मैं अपने फोन पे कस्टम रोम इंस्टॉल कर लूंगा। अब मैंने बस वीडियो के बारे में लिखा ही था, स्क्रिप्ट तैयार ही की थी कि क्या क्या मुझे इस वीडियो के अंदर बताना है, तभी मुझे एक नया अपडेट मिल जाता जो कि होता है MIUI 12.5 का। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कंपनी वाले सही खेल गए, अभी तो मैं इसके ऊपर बना देता हूं 12 की वीडियो, फिर उसके बाद में 12.5 हो जाएगा, कुछ समय उसको यूज करूंगा, उसके बाद में फिर देखते हैं कि मुझे 12.5 पे ही रहना है या अगेन कस्टम रोम पे जाना है। तो बेसिकली बस इतना कहना था, अगर आपको वो वीडियो देखना है जिसके अंदर MIUI 12 के बारे में मैंने बताया है कुछ प्रॉब्लम्स, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि MIUI 12.5 के अंदर पोको M3 में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, इस अपडेट के अंदर आपको क्या कुछ नया देखने मिलता है, कौन कौन से मेजर फीचर्स आए हैं, तो ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आई नो ऑलरेडी बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, अब फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अपडेट के साइज के बारे में। तो इस अपडेट का जो साइज है वो है 2.6 GB। वर्जन की बात करें तो MIUI का वर्जन हमें मिलता है 12.5.1.0, तो यही वर्जन इसके अंदर देखने को मिलता है। इतना बड़ा साइज था इसका, तो अंदर काफी कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो उनमें से क्या कुछ हमें मिला चलो जान लेते हैं। सबसे पहला बदलाव जो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है, ज्यादातर लोग अपने फोन पे, पोको M3 वालों की बात कर रहा हूं, एंड्रॉइड 10 यूज कर रहे थे, जो कि एक सभी पुराना हो चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब एंड्रॉइड 13 की तैयारियां चल रही हैं और 12 ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं, इवन मैं भी कस्टम रोम में 12 ही यूज कर रहा हूं। तो फाइनली हमें मिल जाता है देखने को एंड्रॉइड 11, जो कि बहुत अच्छी बात है। MIUI 13 आएगा, उसके समय पर हमें एंड्रॉइड 12 भी देखने को मिल जाएगा, बट अभी के लिए एंड्रॉइड 11 से हम लोग काम चला लेंगे। इसी के साथ में हमें देखने को मिलता है सिक्योरिटी पैच, जो कि है नवंबर के महीने का। बहुत बड़ा तीर मारा है यहाँ पे Xiaomi वालों ने कि हमें नवंबर का सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड कर दिया। अरे थोड़ा तो शर्म कर लो, दिसंबर का दे सकते थे, जनवरी का भी दे सकते थे, क्योंकि ये जो अपडेट आया है 10 तारीख के बाद में रोल आउट हुआ है, जबकि उससे पहले ही जनवरी के महीने का सिक्योरिटी पैच आ चुका था। लेकिन वो किस तरह से काम करते हैं वो लोग ही जाने, हमें नहीं पता, बट फाइनली जो भी मिला उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके अंदर एक फीचर जो मुझे अच्छा लगा है वो क्या अच्छा लगा है, इसके अंदर आपको फाइनली नेविगेशन बार जो है वो देखने को मिल जाता है, जो जेस्चर नेविगेशन बार होते हैं ना, उसमें जो एंड्रॉइड 11 वाले स्टाइल में नीचे आपको एक बार देखने को मिलता था वो यहां पे देखने को मिल जाता है। अब इसकी मदद से आप अपनी एप्स को स्विच कर सकते हो, मतलब आप अपने रीसेंट एप्स को नीचे से प्लेस को स्वाइप करते रहना, आप अपने एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच कर सकते हो इजीली। इसको स्वाइप करोगे तो अगेन जो चीज आप अभी तक कर पा रहे थे अपने MIUI 12 के अंदर वो इसमें भी कर सकते हो। नेक्स्ट चेंज जो देखने को मिलता है वो मिलता है रीसेंट एप्स के अंदर। रीसेंट एप्स आप खोलोगे तो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जैसे आप होल्ड रखोगे तो वहां पे आपको कुछ इस तरह का मेन्यू देखने को मिलेगा, जो कि आपको पहले MIUI 12 के अंदर देखने को नहीं मिलता था। अब ये चीज MIUI 12.5 के अंदर ऐड की गई है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसके लिए आपको आना है बैटरी के सेटिंग्स में, और यहां आने के बाद में आपको देखने को मिलेंगे 3 नए मोड, जो कि पहला वाला होगा पावर। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपके फोन की जो पावर होगी, जो बैटरी लाइफ होगी, वो बहुत बढ़ जाने वाली है, लेकिन आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा देखने नहीं मिलेगी। सेकंड वाला सिलेक्ट करते हो तो इसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी बैटरी लाइफ काफी अच्छे से काम करेगी, और ये कॉम्बिनेशन होता है आपके परफॉर्मेंस और पावर के बीच का। थर्ड वाला आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस, जिसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी आपके फोन से, लेकिन वही अगर बात करते हैं बैटरी लाइफ की तो बैटरी लाइफ आपको उतनी ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। वेल, इस चीज को लेकर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि आप एक चीज लोगे तो दूसरी चीज आपको कुर्बान करनी ही पड़ेगी, तो Xiaomi वालों ने भी वो चीज हमें अपने फोन के अंदर दिखा दी है, तो ठीक ही है। अब जो अगला तीर Xiaomi वालों ने मारा है वो क्या है, वर्चुअल रैम। अब आप लोगों को पता होगा, इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों ने इधर उधर से कहीं ना कहीं से जानकारी निकाली होगी। वर्चुअल रैम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी फोन की जो स्टोरेज होती है उसको एक ऐसे सस्ती क्वालिटी का रैम बना लेता है, और आपके फोन की जो पुरानी रैम होती है, मतलब जो ओरिजिनल रैम होती है 6 GB, 4 GB, 8 GB जो भी है, उसको जब आप फिल कर दोगे तो उसके बाद में आपको ये चीज देखने को मिलती है, मतलब जो एक्स्ट्रा रैम बनेगी ना आपकी स्टोरेज वाली वो काम करेगी। तो ये चीज आपको इस फोन के सेटिंग्स के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर आपके पास में 6 GB वाला वेरिएंट है तो वहां पे आपको 1 GB देखने को मिलती है, और अगर आपके पास में उससे ऊपर का कोई वेरिएंट है तो वहां पे आपको 2 GB देखने को मिलती है। तो आप वर्चुअल रैम भी अपने फोन पे क्रिएट कर सकते हो, और ठीक है अगर आपको जरूरत है तो कर लो। नेक्स्ट बदलाव जो मैंने अपने उस प्रॉब्लम वाले वीडियो में बताया था वो है इसके कंट्रोल सेंटर के साथ में। सबसे पहले जो कंट्रोल सेंटर था वो आपका सिर्फ ऊपर से स्वाइप करने पे काम किया करता था, मिड से अगर आप उसको स्वाइप करते थे तो नहीं काम किया करता था, लेकिन अभी आप उसको मिड से करो या बॉटम से करो, कहीं से भी स्वाइप करो वो ओपन हो जाता है। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर में स्विच करना चाहते हो तो सिंपली आपको लेफ्ट राइट में स्वाइप करना होगा और वो आपका स्विच होता रहेगा।
रहेगा नोटिफिकेशन और एक्शन सेंटर के बीच। तो ये चीज मुझे रियली काफी अच्छी लगी है। अब एक और जो अच्छी चीज मुझे देखने को मिली है वो है MIUI 12.5 के वॉलपेपर्स। अब ये वॉलपेपर काफी समय से एग्जिस्ट करते थे, आप गूगल से या फिर इधर उधर से डाउनलोड करके अपने फोन पे लगा सकते थे, लेकिन अब फाइनली आपके फोन के अंदर ही आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, मतलब ये वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, तो आप इजीली वहां से इनको लगा सकते हो। और यकीन मानो काफी सारे वॉलपेपर्स हैं जो कि काफी ज्यादा प्यारे भी लगते हैं। तो हाँ, यहाँ पे भी थम्स अप। इसी के साथ में आपको देखने मिलता है नया बूट एनिमेशन। बूट एनिमेशन की बात करें तो पहले जो बूट एनिमेशन था वो कलरफुल हुआ करता था, लेकिन अभी जो बूट एनिमेशन है उसमें कोई कलर वगैरह नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा MIUI लिखा हुआ आएगा जो कि व्हाइट कलर में होगा, और जब आपका फोन ऑन हो रहा होगा तो वो ग्लो करेगा, और ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है साउंड असिस्टेंट। आपको सेटिंग्स में जाना है, साउंड असिस्टेंट को इनेबल कर लेना, और इनेबल करने के बाद में आप अलग अलग एप्लीकेशन की साउंड को कंट्रोल कर पाओगे। मान लो आप अपना फोन यूज कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, उसमें स्पॉटीफाई चला रहे हो, उसके अंदर कोई भी अदर एप्लीकेशन चला रहे हो जिसके अंदर म्यूजिक का काम हो, साउंड का काम हो, तो वहां पे आप उस पर्टिकुलर ऐप की साउंड को कंट्रोल कर सकते हो। आपके सिस्टम की साउंड उतनी ही रहेगी, फुल रखो, मैक्स रखो, बिल्कुल बंद रखो, आप उस ऐप की भी साउंड को कंट्रोल कर पाओगे कि हाँ भाई मुझे यूट्यूब कम रखना है, ज्यादा रखना है, वो सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। और जब बात साउंड की आई है तो साउंड पेज के बारे में भी क्यों ना बात कर ली जाए। तो यहाँ पे आपको नया साउंड पेज देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक और एकदम सिंपल लगता है देखने में। तो हाँ, इसके अंदर भी आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के अलावा सिर्फ साउंड का पेज ही नहीं बदला इन्होंने, जो आपका साउंड जब आप नॉर्मली आपके फोन के होम स्क्रीन पे किसी ऐप के अंदर हो रहे होते हो, जो साउंड मेन्यू होता है लेफ्ट साइड में जब बटन से आप स्क्रॉल करके ओपन करते हो, तो वो भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे पहले आपको एकदम राउंडेड सा देखने को मिलता था, लेकिन अभी के बारे में देखा जाए तो इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया है, बाकी का आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है। तो इस चीज को भी काफी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव किया गया है, और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने साउंड को। इसी के अलावा इसमें आपको एक फीचर और भी देखने को मिलता है टाइमर वाला। आप D&D या फिर साइलेंट मोड की बात करें तो उसका टाइम भी सेट कर सकते हो, आधे घंटे से लेकर के 8 घंटे तक का टाइम यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हो। और जो नेक्स्ट फीचर मैंने नोटिस किया है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, वो इसका चार्जिंग एनिमेशन। वैसे चार्जिंग एनिमेशन की बात करें तो सबसे पहले आप अपने फोन के अंदर इस चीज को इनेबल कर सकते थे, लेकिन वहां पे आपको थीम्स लगानी होती थी, बिना थीम के आप लोग इसको बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं कर सकते थे। बट अभी आपको ऑप्शन मिल गया है चार्जिंग एनिमेशन को, आप इनेबल करो, और जब आपका फोन अनलॉक होगा, आप अपने फोन को लगाओगे चार्जिंग पे, तो वहां पे आपको चार्जिंग एनिमेशन शो होगी, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही थे कुछ फीचर जो मैंने नोटिस किए हैं इस MIUI 12.5 के साथ में। मेजर फीचर्स के बारे में हम लोगों ने बात की है, माइनर फीचर्स और भी हो सकते हैं जो आप लोगों को शायद पता होंगे, और मैंने इस वीडियो के अंदर नाम उनका नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी चीजों पर इतना ज्यादा ध्यान कोई भी नहीं देता है, बस हाँ वो आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बना देते हैं। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां पर रील वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो भाई आओ देखो और मजे करो आप लोग भी। इसके अलावा मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।